अब एक और बड़ी खबर की, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। अप्रैल में अब तक 20 से ज्यादा आतंकवादी सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। खालिद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। खालिद, पूरी जानकारी दे इस बड़ी खबर पर। देखिए, बीती रात एक एनकाउंटर शुरू हुआ असल कुलगाम जिला में जगह है, वहां पर जब एक सूचना के आधार पर वहां पर ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन ले लिया गया। जैसे ही उस जगह को घेर लिया गया जहां मिलिटेंट छुपे होने की सूचना थी, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई जैसे ही फायरिंग की तो तुरंत उसकी जवाबी कार्रवाई हुई, फिर मुठभेड़ शुरू हुई। देर रात तक ये मुठभेड़ चढ़ी, इसमें 4 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता मिली है। हालांकि अभी भी कॉर्ड इंटैक्ट है, वहां पर सलाश तलाशी अभियान जो है अब भी चल रहा है, क्योंकि आशंका है कि कुछ मिलिटेंट्स हो सकते हैं। रात और अंधेरा होने की वजह से ये ऑपरेशन जो है स्थगित रखा गया था, लेकिन सुबह फिर यहाँ जो है तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। हथियारों गोला बारूद भी बरामद किया गया है, शव भी बरामद किए गए हैं और इलाके में जो है अब भी तलाशी अभियान जारी है। बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की, बड़ी सफलता इसीलिए भी क्योंकि अगर सिर्फ अप्रैल महीने की अब तक बात करें तो 20 आतंकियों को मार गिराया है हमारे सुरक्षा बलों ने। शुक्रिया आपका खालिद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने तबलीगी जमात पर अपने बयान पर कहा कि भड़काने वालों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक समूह की गलती पर पूरे समाज से दूरी बना लेना सही नहीं। मोहन भागवत ने पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग पर भी सवाल उठाए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि किसी एक समूह में दोष हो तो सबसे दूरी बनाना ठीक नहीं है। ऑनलाइन बौद्धिक वर्ग कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात बिना तबलीगी जमातियों का नाम लिए कही और कहा कि पूरा देश समाज के तौर पर एक सूत्र में बंधा है। जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना, इस पर क्रोध नहीं करना, इससे डर नहीं मन में रखना, वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, सर्वत्र दोष रखने वाले लोग होते हैं। मोहन भागवत ने पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेना गलत है। पुलिस उस दौरान क्या कर रही थी? उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया, निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उधर पालघर में संतों की हत्या के मामले में अखिल भारतीय संत समिति ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। संत समिति का दावा है कि हत्या चर्च मिशनरियों और नक्सलियों के गठजोड़ का परिणाम है। केस के मुताबिक 4 व्यक्ति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 व्यक्ति सत्ताधारी एनसीपी का कार्यकर्ता है, इसीलिए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।